तो ये देखो टॉपिक हम लोग का अभी चल रहा है, कंटिन्यूएशन में है। हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस की बात कर रहे हैं और डोमिनेंट एपिस्टेटिस समझना है। डोमिनेंट एपिस्टेटिस हम लोगों ने जैसा कि तुमने बताया दिखाया भी कि जो चार केसेस हम लोग बताए कि कॉम्प्लीमेंट्री जीन का एक रेशियो हम लोगों को मिला, डुप्लीकेट जीन का मिला, उसी तरह से इनहिबिटरी जीन का रेशियो मिला, और अब हम लोग यहाँ पे डोमिनेंट एपिस्टेटिस एंड रिसेसिव हाइपोस्टेटिस और रिसेसिव हाइपोस्टेटिस की बात कर रहे हैं। तो अब हम लोग इंटरेक्शन ऑफ जीन में बेसिकली क्या देख रहे हैं, डिफरेंट टाइप को स्टडी कर रहे हैं। सभी में एक कॉमन बात है कि ये मेंटल के डाइहाइब्रिड क्रॉस से फिनोटाइपिक रेशियो में एक हमको डिफरेंस मिल रहा है ना। तो कह सकते हैं देयर इज अ डेविएशन इन फिनोटाइपिक रेशियो इंक्रीज ऑफ ए नॉन एलेलिक जीन इंटरेक्शन। तो एक वर्ड है डोमिनेंट एपिस्टेटिस, इसको समझने के लिए हम लोग एक एपिस्टेटिस समझने के लिए हम लोग यहां पे तुमको एक डायग्राम बनाते हैं और एपिस्टेटिस और हाइपोस्टेटिस समझा देते हैं। ये हमारा एक बिहार का पहलवान है, टॉपर है, बिहार का पहलवान है और यहां का फर्स्ट रैंक वाला पहलवान है। और देखो ये है यूपी का पहलवान, ये भी अपने आप में लखनऊ का रहने वाला है और ये फर्स्ट टॉपर है, मतलब पहला पहले पोजीशन पे है बिहार में ये, और ये है पहले पोजीशन में है यूपी में, ये है बिहार में। दोनों ही अपने अपने जगह पे डोमिनेंट है, दोनों ही कैसे हैं अपने अपने जगह पे डोमिनेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को समझा रहे हैं। ये बिहार का हम लोग कहते हैं लीडर है, पहलवान है, जीता हुआ है, टॉप पे है। ये यूपी का है, दोनों अपने अपने स्टेट में क्या है डोमिनेंट है। अब जरा सोचो यहां भी ये एक को हराया होगा, किसी ने किसी को हराया होगा जब फाइनल हुआ होगा। ये दूसरा हमारे यहाँ का पहलवान है और ये हार गया था, मतलब ये विनर था ये रनर था। यहां भी एक छोटा सा और पहलवान बना रहे हैं, ये यूपी का सेकंड मतलब ये रनर था, ये हार गया था और ये जीत गया था। तो इनको इसको डोमिनेंट कह देंगे, इसको भी डोमिनेंट बोलेंगे, इस दोनों को अभी इनके रिस्पेक्ट में रिसेसिव कह देंगे। हम जरा डोमिनेंट और एपिस्टेटिस शब्द को पहले समझते हैं, फंडामेंटल वर्ड्स अगर हम समझ जाएंगे ना उसके बाद हम लोग वर्कआउट करें तो बहुत ईजी हो जाएगा। अब जरा देखो अगर ये बिहार के पहलवान और यूपी के पहलवान के टॉपर के बीच में विनर के बीच में लड़ाई करवा दें तो क्या केस होगा, कोई एक जीतेगा। हालांकि दोनों अपने अपने जगह का क्या है, दोनों ही अपने अपने जगह का विनर है, बट इन दोनों में कोई एक जीतेगा और दूसरा हार जाएगा, इसको गिरा देते हैं, दूसरा क्या हो जाएगा हार जाएगा और एक क्या हो जाएगा जीत जाएगा। दोनों डोमिनेंट था बट व्हेन इन दोनों को लड़ा दिए व्हाट हैपेंस, वन बिकम द विनर अनदर बिकम लूजर। जो विनर हुआ इसको कहेंगे एपिस्टेटिस, जो लूजर हो गया इसको कह दिया हाइपोस्टेटिस। तो दो शब्द आ गए, एक एपिस्टेटिस और दूसरा हाइपो मतलब नीचे, जो नीचे रह गया जो विनर नहीं हो पाया इन दोनों में उसको कह दिए, और जो विनर हो गया ऊपर चला गया इसका नाम रखे एपिस्टेटिस जीन। तो ये दो शब्द समझ में आ गया, बोथ आर डोमिनेंट जीन एट देयर ओन प्लेस बट व्हेन दिस टू डोमिनेंट जीन इंटरैक्ट विद ईच अदर द जीन व्हिच एक्सप्रेस इटसेल्फ इज एपिस्टेटिक जीन एंड द जीन व्हिच कैनॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ इज कॉल्ड हाइपोस्टेटिस जीन। तो एपिस्टेटिस और हाइपोस्टेटिस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, दोनों अपने अपने जगह पे डोमिनेंट जीन थे लेकिन जब इन दोनों का इंटरेक्शन हुआ तब कोई एक जीता, एक अपने को एक्सप्रेस किया, जो अपने को एक्सप्रेस किया उसको डोमिनेंट कह दिए और जो अपने को एक्सप्रेस नहीं कर पाया उसको रिसेसिव कह दिए। इस पॉइंट में किसी को कोई डिफरेंस तो नहीं आ रहा होगा, किसी को कोई डाउट नहीं हो रहा होगा, ये अगर हम लोग समझ गए हैं तो आगे हमारे लिए और भी आसान हो जाएगा समझना। चलो अब आगे क्या जरा देखते हैं हम लोग, ऐसे दो कैरेक्टर पे हम लोग चलते हैं क्या, डोमिनेंट एपिस्टेटिस। तो डोमिनेंट एपिस्टेटिस का मतलब क्या हुआ, जो डोमिनेंट है वो एपिस्टेटिस
कभी कभी क्या होता है हम लोग यहाँ पे लिखते हैं टी टी और आर आर, और यहाँ पे लिखे फिर आर आर और टी टी। इस केस को समझो यहाँ पे कि एपिस्टेटिस जो होता है, और ये दो तरह का हो सकता है, कभी कभी डोमिनेंट भी एपिस्टेटिस होता है और कभी कभी रिसेसिव भी एपिस्टेटिस हो जाता है। देखो जैसे इसी केस में समझो, ये यहां पे हार गया था, ये यूपी का पहलवान था जो हार गया था, और सेकेंड एक लड़ाई था इन दोनों को लड़ाई, तो ये बिहार वाला जो था वो जीत गया, लेकिन बिहार वाला जिस यूपी वाले से जीता उसका जो रनर था अब एक और लड़ाई लड़वा दिए, इसकी लड़ाई इससे करवा दिए, लकीली ये जीत गया और ये हार गया। ऐसे केस को बोलेंगे रिसेसिव हाइपोस्टैटिसी, रिसेसिव एपिस्टैटिस, ये जीत गया ओवर डोमिनेंट। तो ऐसा भी हम लोग एक कभी केस पढ़ेंगे जहां पे रिसेसिव जीन अपने को एक्सप्रेस कर देता है उस दूसरे डोमिनेंट के रहने के बावजूद भी, तब इस एक्सप्रेशन का नाम देंगे रिसेसिव एपिस्टैटिस। और जब डोमिनेंट जीन अपने को एक्सप्रेस करता है तब इसको कहते हैं डोमिनेंट एपिस्टैटिस। एपिस्टैटिस क्या हुआ और हाइपोस्टैटिस क्या हुआ ये हम लोग बता चुके हैं। एपिस्टैटिस हुआ जब दो जीन आपस में इंटरैक्ट करते हैं, दोनों ही डोमिनेंट होते हैं, इनमें से जो अपने को एक्सप्रेस देखो बच्चों, ये जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे ना, ये है नॉन एलेलिक जीन इंटरैक्शन। ये जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ना, ये है जीन इंटरैक्शन में, नॉन एलेलिक जीन इंटरैक्शन टॉपिक हम लोगों का चल रहा है। इसमें जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे ये है डोमिनेंट एपिस्टैटिस। इसका मतलब जरा जानते हैं, डोमिनेंट एपिस्टैटिस और रिसेसिव हाइपोस्टैटिस समझाने के लिए देखो हम यहाँ पे नीचे कुछ डायग्राम बनाए हुए हैं। ये एक पहलवान है और ये यूपी का पहलवान है, और ये भी एक पहलवान है जो एमपी का पहलवान है। यूपी का पहलवान ये इसको हरा के विनर बना, और इसके बगल में एक है जो लूज़र है। एमपी का पहलवान भी इसको हरा के विनर है और ये लूज़र हो गया। तो एक विनर हो गया, दूसरा रनर हो गया, एक विनर हो गया, दूसरा रनर हो गया। अगर इन दोनों विनर की बात करें तो दोनों के बारे में क्या बोलेंगे, बोथ आर डोमिनेंट, दोनों ही डोमिनेंट है अपने 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 स्टेट में। ये यूपी का है, ये एमपी का, अपने अपने स्टेट का दोनों ही विनर डोमिनेंट है। लेकिन जब इन दोनों को लड़ाएंगे तो ये दोनों लड़ रहे थे, एक जीतेगा और दूसरा हार जाएगा। तो देखो ये जीत गया, ये यूपी वाला था, ये एमपी वाला नीचे चला गया। तो इस केस में शब्द का प्रयोग करेंगे बोथ आर डोमिनेंट, नाउ दिस इज कॉल्ड एपिस्टैटिस। जब दो जीन आपस में और नॉन एलिलिक इंटरैक्ट कर रहे हों, एक डोमिनेंट अपने को एक्सप्रेस कर दिया तो इसका नाम रखेंगे एपिस्टैटिस, और जो अपने को एक्सप्रेस नहीं कर पाया उसका नाम रख दिए हाइपोस्टैटिस। तो दो शब्द हो गए ना, एक एपिस्टैटिस और दूसरा हाइपोस्टैटिस। ये वर्ड क्लियर हो गया, एपिस्टैटिस एंड हाइपोस्टैटिस। देखो हम लोग यहाँ पे लिखे भी हैं, इसको जरा समझ लो। वन व्हेन ए जीन प्रिवेंट द एक्सप्रेशन ऑफ अनदर नॉन एलेलिक जीन, एक जीन दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को, नॉन एलेलिक इंटरेक्शन को रोक दिया, एंड इज सप्रेस्ड, तो एक दूसरे को जो रोका इट इज कॉल्ड एपिस्टैटिस, जो रोका उसका नाम रखेंगे। एंड एक्सप्रेशन ऑफ जीन विच इज सप्रेस्ड, और जो सप्रेस्ड हो गया उसको क्या कह देंगे, हाइपोस्टैटिस जीन। तो जीन दो तरह के हो गए, एक को कह दिए एपिस्टैटिस जीन और दूसरे का नाम रखे। अब एपिस्टैटिस दो तरह के हो सकते हैं, डोमिनेंट एपिस्टैटिस और रिसेसिव एपिस्टैटिस। अब इसको भी समझ लो, ये एमपी का विनर था, ये रनर था, ये रिसेसिव कहलाएगा, ये डोमिनेंट कहलाएगा। यहां पे यूपी का ये डोमिनेंट था और ये रिसेसिव था, ये रनर अप था, ये रिसेसिव कहलाएगा। अब हम दो लड़ाई फिर डिफरेंट करवाते हैं, एमपी के इस जो रनर अप रनर था इसको लड़वा दिए यूपी के
जो विनर था उससे, और यहाँ पे मामला बिल्कुल उलट गया, ये इसको हरा दिया, तो रिसेसिव बिकम एपिस्टेटिस बिकॉज इट ब्रेक्स और हम लोग बोलेंगे चेक्स द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस डोमिनेंट, ये इस डोमिनेंट के एक्शन को रोक दिया, तब हम लोग इसका नाम रखेंगे रिसेसिव एपिस्टेटिस। तो एपिस्टेटिस अगर कोई रिसेसिव जीन अपने को एक्सप्रेस कर दे तो उसको रिसेसिव एपिस्टेटिस कह देंगे, अगर कोई डोमिनेंट जीन अपने को एक्सप्रेस किया दूसरे को एक्सप्रेस करने नहीं दिया तो नाम रखेंगे। तो एपिस्टेटिस और हाइपोस्टेटिस दो शब्द हो गया, एपिस्टेटिस से दो वर्ड बन गए, एक रिसेसिव एपिस्टेटिस और दूसरा डोमिनेंट एपिस्टेटिस। ये बेसिक पहले कॉन्सेप्ट समझ जाओ, क्योंकि ये वर्ड्स का मीनिंग नहीं समझेंगे तो ये बिल्कुल रटने वाली बात हो जाएगी, रटेंगे तो बिल्कुल नहीं। वो भी मेरे क्लास में जब महेश सर पढ़ा रहे होते हैं तो बच्चे रटना भूल जाते हैं, क्योंकि खेल खेल में ही हम लोग पढ़ेंगे, पढ़ाई में मज़ा लेंगे, नीट में मैक्सिमम नंबर लाने का टारगेट करेंगे, है ना। अब कोशिश ये करना है कि एनसीईआरटी तो पूरी तरह से कवर्ड हो जाए, एनसीईआरटी के अलावे जो कभी कभी क्वेश्चंस में डेविएशंस आते हैं, किन किन चैप्टर से आते हैं उन चैप्टर पे हमारा फोकस है, उन चैप्टर में जो जो क्वेश्चंस आए हुए हैं हम प्रयास ये कर रहे हैं कि लास्ट 25 ईयर्स के क्वेश्चंस को हम यहाँ पे टच करते हैं। लास्ट 25 ईयर्स में आए हुए डिफरेंट मेडिकल एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस आते थे, जैसे एम्स में आते थे, जैसे एएफएमसी में आते थे, पुणे वाले एग्ज़ाम में, वर्धा में एक मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे अलग एग्ज़ाम होता था, तो डिफरेंट डिफरेंट मेडिकल कॉलेज के एग्ज़ाम में जितने क्वेश्चंस आए हुए हैं ना उनको हम टच कर रहे हैं व्हेन आई एम टीचिंग, बिकॉज जब भी क्वेश्चंस में डेविएशंस आएगा तो इन्हीं सब पार्ट से आ सकता है, तो इनमें से एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये, हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस में ये पोर्शन देख रहे हैं विच इज़ मोर देन दैट ऑफ योर एनसीईआरटी। ये हम लोग एनसीईआरटी से ज़्यादा पढ़ रहे हैं इस समय, कोई डाउट की बात नहीं है, इसको पढ़ रहे हैं और ये हमारी इस समय मजबूरी है, ये पढ़ेंगे, क्योंकि एम्स भी अब नीट का पार्ट हो गया है, क्वेश्चंस के लेवल में एक अच्छे लेवल के क्वेश्चंस की आप उम्मीद कर सकते हैं, तो हमारे पास पूरा अच्छा सा बेस बना रहना चाहिए इसको पढ़ने का। तो एक पार्ट हम लोग ये जान गए, तो रिसेसिव एपिस्टेटिस हम लोग जान गए, फिर हम लोग आते हैं ये किस प्लांट में मिला, हम लोग कह सकते हैं समर स्क्वैश, है ना, क्यूकरबीटा पेपो, ये कद्दू या कदीमा जो हम लोग कहते हैं ना कद्दू, इसी का वैरायटी है क्यूकरबीटा पेपो, है ना। तो ये एक बार निकालोगे क्यूकर बेटा पेपो ये, और ये क्यूकर बेटा नाम इसलिए पड़ा इसका क्योंकि ये जिस फैमिली का मेंबर है ना कद्दू कदीमा, उस फैमिली का नाम है क्यूकर बिटेसी, क्यूकर बिटेसी CEAE, ये इस फैमिली का नाम है। इस फैमिली में खीरा कद्दू कदीमा लौकी नेनुआ ये जितने भी गर्मियों में जो हरी सब्जियां बिकती है ना लत वाली जितने पेड़ होते हैं ऑल बिलोंग्स टू क्यूकरबिटेसी फैमिली। तो ये हमारा एक एग्जांपल लेके चल रहे थे, इसमें क्या देखते हैं जरा देखना, इसमें जो फ्रूट का कलर है ना ये तीन कलर का होगा, एक वाइट होगा, अगर यहाँ पे डब्लू कैपिटल एक जीन होगा तो फ्लावर का फ्रूट का कलर वाइट हो जाएगा, एंड जब वाइट जीन का जीन होगा वाइट कलर के फ्रूट वाला जीन डब्लू होगा तो ये सब पे डोमिनेंट है, इसके बाद अब कोई कलर एक्सप्रेशन नहीं होगा, वाइट आ गया तो बेस्ट कलर आ गया और इट विल एक्सप्रेस इटसेल्फ, अगर वाइट नहीं है तो फिर दो जीन का फॉर्म है कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, कैपिटल वाई अगर है मतलब ये डोमिनेंट फॉर्म में है तो फ्रूट का कलर येलो होगा, और अगर ये भी रिसेसिव फॉर्म में हो गया तो फ्रूट का कलर ग्रीन होगा, लेकिन जब W अवेलेबल होगा मतलब कैपिटल W होगा जो वाइट को डिनोट करने वाला जीन है, इस W का मतलब होता है जीन मेंट फॉर वाइट कलर, इफ इट इज प्रेजेंट ये सभी कलर को मास्क कर देगा। तो अब हम लोग आते हैं इस कंडीशन को जानने के बाद हम लोग इस पे एक्ट करना शुरू करते हैं, हम लोग इसको समरी कैसे लिख सकते हैं, W मास्क Y, Y मास्क स्मॉल Y, W is white, Y is capital Y is yellow, small Y is green in color, है ना। तो अब हम लोग white और green के बीच में cross करा रहे हैं, white fruit वाले एक plant को लिए हैं और green fruit वाले एक plant को लिए हैं, white fruit वाले plant में
डब्ल्यू जीन होगा और कैपिटल वाई, क्योंकि डाईहाइब्रिड क्रॉस देख रहे हैं, दूसरा जीन यहाँ पे वाई है, वो भी डोमिनेंट फॉर्म में है लेकिन ये अपने को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। हम लोग बताएं ना, दोनों ही डोमिनेंट है, अगर ये डब्ल्यू यहाँ पे नहीं रहता तो ये अपने को एक्सप्रेस कर देता। तो ये एम पी वाला डोमिनेंट था, ये यूपी वाला डोमिनेंट था, लेकिन गेम में एम पी वाला जीत गया। तो W मतलब वाइट जीन का एक्सप्रेशन आ गया। ऐसे प्लांट्स में फ्रूट का कलर वाइट।